नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ कस्टर्ड पुडिंग। ये बहुत इजी है बनाना और बहुत डिलीशियस है। अगर आपको जानना है ये कैसे बनता है तो इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कैरेमल। कैरेमल बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, उसको पहले से ही हम गरम करने के लिए रख लेंगे। जब वो गरम होना शुरू हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2.5 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए अब हमारा चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये कलर हमारा बिल्कुल चेंज नहीं कर देता। यहाँ पे देखिए अब हमारा कलर जो है चीनी का बिल्कुल बदल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप विनेगर डालेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। यहाँ अब हमारा कैरेमल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखो मैंने बाउल में इसको निकाल रखा है। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से हर जगह फैलाएंगे जिससे हमारा कैरेमल जो है ना हर जगह सेट हो जाए। पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले 2 कप दूध चाहिए। हम उसको गर्म होने के लिए रख लेंगे। जब तक हमारा दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है हम क्या करेंगे, उसी ग्लास में हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर निकालेंगे और इसके अंदर दूध डाल करके हम इसको एक लिक्विड के फॉर्म में बना लेंगे। ये देखिए जिस पतीले में मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था ना, उसी में से हम क्या करेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे हमारा कस्टर्ड लिक्विड रेडी हो जाए। यहाँ पे अब हमारा दूध जो है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कम नहीं हो जाती। जब हमारा मिल्क का कंसिस्टेंसी कम हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड मिल्क तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। हमें यहाँ पर मिक्स करना छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे का जो बेस है ना वो जल सकता है। जब हमारा कस्टर्ड अच्छे से रेडी हो जाएगा फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालना है और इसको फिर से मिक्स करते रहना है जब तक कि इसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू नहीं हो जाता। यहाँ हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस बाउल में हमने कैरेमल डाला था ना उसी बाउल में हम क्या करेंगे, हम अपना कस्टर्ड इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए या फिर 4 से 5 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद हमारा यहाँ पर कस्टर्ड पुडिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा कस्टर्ड पुडिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल जेली के फॉर्म में बन चुका है। ये देखिए अब लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पुडिंग पलटा करके डाल देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कस्टर्ड पुडिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, कैरेमल भी मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पुडिंग को जो है मिंट और 2 फ्लावर के साथ इसको डेकोरेट किया है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट करके इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा ये कस्टर्ड पुडिंग कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।